हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि अपन फिटर थ्योरी की जो निमिक की पीडीएफ है उसको कंप्लीट पूरा हल कर रहे हैं, जिसके दो चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से जो आपका चैप्टर चलेगा वह तीसरा चैप्टर चलेगा, जो कि है मॉडल 3 का सीट मेटल। ठीक है, सीट मेटल से संबंधित क्वेश्चन अब अपन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन संख्या अपनी है 167। ठीक है, 167 क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। 166 तक क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। क्वेश्चन जो आज का है वह है कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लोइड का उपयोग किया जाता है, तो वह है ड्राई एयर जेट। अगला जो क्वेश्चन है वह है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। तो यहाँ पर जो ये एक्स के रूप में ये स्थाई नहीं रहता, ये आगे पीछे आता रहता है, तो ये चल वाला होगा। देखिए ऑप्शन अपन देख लेते हैं, ऑप्शन में अपन को क्या दिया है, तो यहाँ पर ये जो है ना डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि ये स्पेंडल हेड। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है HSS ड्रिल जिसका व्यास 24 मिमी और काटने की गति 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए दूरी गति RPM का चयन करें। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन 400 RPM। अगला जो क्वेश्चन है वह है छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लेटों को निकट लाने के लिए जो जिसका प्रयोग किया जाता है वह होता है रिवेट सेट। ठीक है, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है बेंड स्निप्स का उपयोग क्या है, तो बेंड स्निप्स का जो उपयोग है वह है सर्कुलर कट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए एक्स के रूप में चिन्हित करें। यह जो यहाँ पर एक्स के रूप में दिया है इसका आपको नाम बताना है, तो इसका जो नाम है वह है निचला ब्लेड। क्या है? निचला ब्लेड आपका कम्प्लीटली सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है, जो कि आपके सामने चित्र दिया गया है। यहाँ पर यह जो है हैमर है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर यह दिया गया है और नीचे पाइप दिया गया है, तो इस कार्य का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वह है ग्रूविंग। क्या नाम है? ग्रूविंग, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है जिंक कोडेड आयरन का नाम बताइए, जिंक कोडेड आयरन का जो नाम है वह है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। ठीक है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 200 मिमी की लंबाई, 500 मिमी की चौड़ाई, 4 मिमी की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की घनत्व, क्यूब है तीन जो है ना क्यूब है, घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, 31.4 केजी। अगला जो क्वेश्चन है जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम आपका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है नियमित षटभुज के फ्लैटों से फ्लैट नियमित षटभुज की फ्लैट से फ्लैट तक का साइज किस गणना की गणना करने का सूत्र क्या है, कि गणना करने का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ से सी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा, जो कि दिया है √3a। अगला क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में स्टैक का क्या उपयोग है, तो सीट स्टैक का जो उपयोग है वह क्या है, तो बी ऑप्शन सपोर्टिंग पीस। अगला जो क्वेश्चन है शोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है, शोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर, शुद्ध धातु या मिश्र धातु। अगला जो क्वेश्चन है स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स
का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए ए ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड। अगला जो क्वेश्चन है वह है ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। ग्रोवर का उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ग्रोवर का जो उद्देश्य है वह है सी ऑप्शन, सीम को क्लोज और लॉक करना। अगला जो क्वेश्चन है रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, तो वह है माइल्ड स्टील। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो यहाँ पर ये एक्स के रूप में जो लंबाई दी गई है इसका नाम बताना है, तो इसका जो नाम होगा वह क्या होगा, तो वह होगा बॉडी। ये क्या है, बॉडी है। अगला जो क्वेश्चन है वह है पिघलाया हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है, तो उसका जो नाम है वह है डी ऑप्शन, टीनिंग। क्योंकि इस ऑपरेशन यानी कि इस कार्य को क्या कहा जाता है, ये यहाँ से आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, पेन हेड रिवेट। ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है स्नैप हेड पिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है, तो इस टूल का नाम है डाली। क्या है, डाली। अगला क्वेश्चन है दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। इस रिवेटिंग दोष का आपको नाम बताना है, तो सी ऑप्शन जो कि है रिवेट का सिरा सेक के साथ केंद्रित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है, तो वह है ट्रेमल। अगला जो क्वेश्चन है वह है 189 सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्र क्यों बन जाता है, तो क्यों बर्र बन जाता है, तो अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। अगला जो क्वेश्चन है वह है भाग एक्स का नाम क्या है, भाग एक्स का नाम बताना है, यानी कि यहाँ पर यह भाग एक्स आपको दिया गया है, इस भाग एक्स का नाम आपको बताना है, तो यह कौन सा भाग है, तो यह जो आपका भाग है वह है बी ऑप्शन बॉडी, सॉरी क्लैंप। अगला जो क्वेश्चन है सीट मेटल के कार्यों में ग्रोवर का उपयोग क्या है, ग्रोवर का उपयोग यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कि सी ऑप्शन, सीम को क्लोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो कौन से का उपयोग किया जाता है, कॉनिकल हेड रिवेट। डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन रिवेट स्नैप। अगला जो क्वेश्चन है वह है सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है, तो इस नोच का नाम है, देखिए यहाँ पर नोच आपको दिख रही है, इस नोच का यहाँ पर नाम आपसे पूछा गया है, तो यह है स्क्वायर नोच, क्योंकि वर्गाकार अपन को दिख रही है। अगला जो क्वेश्चन है पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है, तो वह जो है वह है बाइसिंग मेटल। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने वह है इस रिवेट में क्या दोष है, यहाँ पर रिवेट आपको बताया गया है, इस रिवेट के दोष के बारे में आपसे पूछा गया है, इस रिवेट में क्या दोष है, तो डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। प्लेट पर होल एक सीधे में नहीं है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, तो वह जो स्टेक है वह है हाफ मून स्टेक। सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है, तो यह होता है स्टेक। क्या होता है, ये स्टेक होता है, तो ये जो स्टेक दिखाया गया है आपको ये कौन सा स्टेक है, तो ये राउंड बॉटम स्टेक है। कौन सा, राउंड बॉटम, यानी कि डी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वह है सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है। यहाँ पर जॉइंट का नाम पूछा है, तो इस जॉइंट का नाम है डबल ग्रूवेड जॉइंट। ठीक है, डबल ग्रूवेड जॉइंट आपका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि है स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली सही आंसर होगा, 1.2 mm मोटाई। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने 200 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे 30 से 35 क्वेश्चन लेकर। तो लगातार जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते रहेंगे आपको लगातार वीडियो, तो ज़रूर देखते रहिएगा क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको फ़ायदा दिलाने वाले रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।